नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों को ये प्रॉब्लम होता है कि 1212 का ट्रांसफार्मर अगर उनको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको 12 वोल्ट के लिए कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1212 का जो कनेक्शन होता है, 012 के अंदर अगर आपको करना है तो कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन करना होगा। ये देखिए, ये कनेक्शन हमारे कुछ इस तरीके से होंगे, यानी कि जो पॉजिटिव होता है हमारा कैपेसिटर का, वहाँ पर हमारे दो डायोड लगेंगे, उनका जो सिल्वर वाला पट्टी होगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा और उसके दूसरे साइड में जो हमारे 12 और 12 वाला जो कनेक्शन है वो लगेगा, देखिए। और जो हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव साइड होगा वहाँ पर जीरो लगेगा, यानी कि जो जीरो वाला पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट जो होता है ट्रांसफार्मर का, वो यहाँ लगेगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए इसके कनेक्शन होंगे। आप देखिए, ध्यान से देख लीजिए, मैं पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये 1212 का ट्रांसफार्मर है और इसको हमने 12 वोल्ट में कन्वर्ट करा है और कैपेसिटर हमने यहाँ पर लगाया है 2200U 25 वोल्ट का। आप चाहे तो यहाँ पर 50 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं और 4700 mFd तक भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका यूज़ दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से आप जो है 1212 का जो ट्रांसफार्मर है उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो अभी इस समय कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, ग्राउंड पॉइंट हमें कैपेसिटर के ग्राउंड से लेना है और पॉजिटिव हमें यहाँ से लेना है जहाँ पर हमने डायोड लगाए हैं। तो इसके अंदर वोल्टेज आ रही है, देखिए 19 वोल्ट के आसपास इसके अंदर यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रही है, क्योंकि कैपेसिटर अभी चार्ज है तो इसलिए इसके अंदर ये वोल्टेज इतनी शो दिखा रहा है। ये देखिए, मैं मीटर को थोड़ा पास रख देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर अब मैं आपको इसको टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। देखिए, ये 12 वोल्ट का हमारा LED है, इसको भी मैं आपको जला के दिखाता हूँ। तो देखिए, माइनस वाला पॉइंट हमारा जीरो से उठेगा, ये देखिए जीरो पे लगा दिया, प्लस वाला हमारा डायोड से। तो इस तरीके से हम जो 1212 का ट्रांसफार्मर है उसको जो है हम 12 वोल्ट में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को नीचे कमेंट में जरूर बताना।